आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा नेमावर हत्याकांड के विरोध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों की संख्या में रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम अपर कलेक्टर मंडला को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में सरकार और शासन की कड़ी निंदा करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री की इस्तीफा की मांग करते हुए अपराधियों को फांसी की सजा और पीड़ित परिवार को 3 करोड़ की सहायता राशि प्रदान करने और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा पुलिस व्यवस्था देने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जन द्वारा आक्रोश रैली में गणतंत्र पार्टी के प्रदेश और संभाग के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिलाध्यक्ष कमलेश के मार्गदर्शन में मंडला जिले के गांव-गांव से लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए विरोध किया। समस्त जन रैली में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिसमें जिले और ब्लॉक के कार्यकर्ता उपस्थित हुए और जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार से अपनी मांगों को रखते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर अपराधियों को फांसी नहीं हुई तो संपूर्ण आदिवासी समाज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चक्का जाम करेगा। साथ ही जब तक कार्यवाही नहीं होती तब तक विरोध जारी रहेगा। आइए, मध्य प्रदेश में देवास जिले में नेमावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो बीजेपी के कोई मंडल अध्यक्ष कार्यकर्ता हैं तो उन्होंने 5 आदिवासियों की हत्या की और जमीन में दफना दिया 10 फीट जेसीबी के द्वारा। और जब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलवीर सिंह तोमर द्वारा ये इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की गई तो पूरे 47 दिन बाद वहाँ का पुलिस प्रशासन कुछ नहीं किया। उसके बाद से जब आंदोलन वहाँ चालू किया गया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा, उसके बाद से वहाँ कार्यवाही चालू हुई तो बाद में पता चला कि ऐसा हुआ है। ये कहीं ना कहीं यहाँ मध्य प्रदेश की जो सरकार है भाजपा की, उनके द्वारा थाने में या कहीं प्रशासन में प्रेशर बनाया जा रहा था, इसीलिए नहीं हो रहा था। तो उसी के खिलाफ पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से, तो वही हर जिला मुख्यालय में किया गया है, वहीं से मंडला में भी हमारे द्वारा इसकी मांग की गई है और राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को दिया गया कलेक्टर महोदय के माध्यम से।